होंडा एविटोर स्कूटी और इसमें हाफ इंजिल फिटिंग करने वाला हूँ, क्योंकि देख सकते हैं हमने हेड को फिटिंग कर दिए और ये रहा सिलेंडर। और आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ कि हाफ इंजिल को किस प्रकार से फिटिंग किया जाता है। सबसे पहले आपको इधर से रेसिबोन लगा लेने का, ये देखो हमने रेसिबोन को लगा रहा हूँ, हमने रेसिबोन को लगा दिया है, देख सकते हैं बढ़िया करके आपको रेसिबोन लगा लेना है, ये देखो। और पैकिंग को आपको कुछ स्टेप से लगाना है, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बतलाने वाला हूँ गाइस, क्योंकि ये देखो हमने इधर से पैकिंग को लगा दिया, ये देखो थोड़ा कनेक्ट को आपको हाइट करना पड़ेगा और आराम से ये पैकिंग बैठ जाएगा। ये देखो हमने पैकिंग को बराबर बिठा दिया। और आपको करना क्या पड़ेगा गाइस, ये दोनों रॉड में डॉल पिन लगता है, ये देखो कुछ स्टेप्स आपको लगा लेना है, ये देखो ये डॉल पिन को ऐसे लगा लेना है और दूसरे को भी कुछ स्टेप से आपको लगा लेना है। डॉल पिन को हमने दोनों बढ़िया करके लगा दिया है। और आपको करना क्या पड़ेगा, ये जो पिस्टन रहेगा इस इनलेट ऊपर का रहेगा और एग्जस्ट नीचे का रहेगा, कुछ स्टेप्स आपको लगा लेना है। और हमने गर्जन पिन को थोड़ा लगा दिया और ये देखो ये आराम से अंदर को चला जाएगा, ये देखो हमने गर्जन पिन को भी फिटिंग कर दिया है, ये देखो। और आपको लॉक लगाना पड़ेगा, हमने क्या किया इससे पहले उस साइड में लॉक लगा दिया था और ये लॉक को इस साइड में लगा रहा हूँ। और इससे पहले आपको इधर कपड़ा लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर कपड़ा नहीं लगाएगा तो आपको लेने में देने पड़ जाएगा अंदर का और लॉक चला जाएगा, तो फिर भी आपको दोबारा काम करना पड़ेगा, पूरा इंजन निकालना पड़ेगा। और आपको लॉक को इधर से ऐसे लगा लेने का, ये देखो हमने लॉक को बिठा दिया, ये देखो आराम से ये बैठ जाएगा, ये देखो बिल्कुल बैठ चुका है, ये देखो हमने लॉक को बराबर बिठा दिया, देख सकते हैं गाइस। सिलेंडर लगाने से पहले ऑयल को लगा लेने का, और इधर भी हमने ऑयल लगा दिया। और आपको करना क्या पड़ेगा, ये देखो हमने इधर से सिलेंडर को लगा रहा हूँ और आपको देखो आराम से देखो ये पिस्टन अंदर का ओर चला जाएगा, ये देखो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये देखो और आराम आराम से आपको ये देखो चला गया। और टाइमिंग चेन को आपको इधर से पकड़ना पड़ेगा, ये देखो हमने इधर से टाइमिंग चेन को पकड़ लिया है और ये आराम से चला जाएगा, ये देखो ये देखो ये आराम से चला गया, ये देखो आराम से बैठ गया। और आपको पिस्टन को टॉप पे लेना पड़ेगा, ये देखो आपको इधर से टॉप को लेने का, ये देखो ये देखो अभी थ्री सी पोजीशन में है पिस्टन, पिस्टन टॉप पे है। और आपको टाइमिंग पैड लगाना पड़ेगा, ये देखो कुछ स्टेप्स आप नीचे का ओर करके आप ये देखो इजीली टाइमिंग पैड बैठ चुका है। और आपको एक पैकिंग लगाना पड़ेगा, पैकिंग को आपको कुछ स्टेप से लगा लेना है, ये देखो हमने पैकिंग को लगा दिया। और इससे पहले आपको रिसीवर हल्का हल्का लगा लेने का, ये देखो हमने पैकिंग को लगा दिया है। और इसमें दो पिन आता है, लेकिन हमने नीचे का पिन लगाया था ये दोनों रॉड में, और आपको ये दोनों रॉड में लगाना पड़ेगा, ये देखो हमने पिन को लगा दिया और इसमें एक लगाने का, ये देखो ये इजीली बैठ चुका है, ये देखो बराबर हमने पिन को लगा दिया है। हेड को लगा लेना है, ये देखो हेड को कुछ स्टेप्स आप आराम से लगा सकते हैं, ये देखो। और इधर से हमने टाइमिंग चेन को पकड़ बना लिया और आराम से ये देखो इजीली चला जाएगा, आपको आराम आराम से बिठा लेने का और थोड़ा थोड़ा आपको देख लेने का ये बराबर बैठे कि नहीं, ये देखो मैं थोड़ा थोड़ा हथौड़ी भी मार दिया प्लास्टिक वाला, ये देखो ये इजीली बराबर बैठ चुका है। और आपको करना क्या पड़ेगा, इसमें चार वार्सल रहते हैं, ये देखो चार वार्सल को आपको लगा लेना है और चार नाट को इधर से लगा लेता हूँ। चारों नाट को हमने हाथ से टाइट कर लिया है, अभी आपको रिंग से टाइट करना पड़ेगा। और इससे पहले दो इसमें नाट रहते हैं, ये देखो 10 नंबर का दो नाट ये साइड में रहते हैं। हमने
चारों नट को टाइट करके ले लिया है आपको ऑपोजिट बाय ऑपोजिट टाइट करने का। ये देखो हमने इधर से इधर टाइट किया और इधर से इधर चारों को टाइट करके ले लिया है और इधर 10 नंबर दोनों नट को भी टाइट करके ले लिया है। और आपको बराबर देख लेने का कि इसमें बराबर बिठा है कि नहीं। ये देखो बराबर से बिठा दिया हमने। और आपको करना क्या पड़ेगा, टाइमिंग छोटा इस पॉकेट को कुछ स्टेप से आपको लगा लेना है। ये देखो क्योंकि जब भी हाफ इंजन का काम करो गाइस कि इसमें टाइमिंग चेन नया डालो क्योंकि इसमें साउंड क्वालिटी बढ़िया होगा। और ये देखो हमने इधर लगा दिया। और लगाने से पहले आपको एक चीज़ देखना पड़ेगा इधर टाइमिंग। ये जो डॉट दिख रहे हैं गाइस, ये डॉट को ये धार का इधर मिलाना पड़ेगा आपको। ये देखो हमने बराबर मिला दिया। और ये साइड से दिखाऊँ, इस साइड से दिखाऊँ। और ये देखो कुछ स्टेप से होंडा एविटोर स्कूटी का टाइमिंग रहता है। ये देखो परफेक्टली हमने टाइमिंग मिला दिया। और इधर आपको दो बोल्ट लगाना पड़ेगा। हमने दोनों नट को टाइट करके ले लिया है। ये देखो बिल्कुल अभी टाइट हो चुका है। टेंशनर को होल्ड कर लेने का। ये देखो हमने छोटा कर दिया और लगाने के बाद ही आपको छोड़ना पड़ेगा। और इससे पहले इसमें पैकिंग लगाने का। ये देखो हमने पैकिंग को लगा रहा हूँ और इसमें आपको कुछ स्टेप से लगाना है। ये देखो दोनों नट को हमने टाइट करके ले लिया है। और आपको करना क्या पड़ेगा, टाइमिंग को छोड़ना पड़ेगा। ये देखो हमने इधर से देखो, ये देखो अभी ये बिल्कुल टाइमिंग चेन टाइट हो चुका है। हमने इधर से छोड़ दिया। नया चेन लगाने के बाद आपको टाइट नहीं करना पड़ेगा इधर से, ये ऑटोमेटिक ही टाइट हो जाएगा। सिर्फ आपको छोड़ना पड़ेगा। ये देखो हमने इधर से छोड़ दिया, टाइट नहीं किया, आराम से छोड़ दिया। और ये देखो ये बिल्कुल अभी टाइट हो चुका है। और आपको इधर से एक फोल्डिंग नाट लगाना पड़ेगा। ये देखो हमने नाट लगा दिया। ये देखो ये नाट को टाइट कर दिया है। दोनों लॉकर को आपको बराबर देख लेने का। और इसमें पहले रहता है गाइस 0.06 mm इनलेट ऑल और एग्जॉस्ट ऑल सेम ही रखने का। 0.06 mm रखेगा तो इसमें RPM भी बराबर रहेगा और बाइक एक ही किक में स्टार्ट होगा और एक ही सेल्फ में स्टार्ट होगा। और ये देखो हमने कुछ स्टेप से 0.06 mm, ये देखो, ये देखो मतलब ये ज़्यादा टाइट भी नहीं जाना चाहिए और ज़्यादा लूज भी नहीं जाना चाहिए। ये देखो और इधर का इनलेट का दिखा रहा हूँ। ये देखो मतलब होंडा एविटोर में सेम ही रहता है गाइस। ये देखो हमने बराबर से चेक करके देख लिया। आप भी इस तरह से, आपका पास फिलर गेज नहीं रहेगा फिर भी आप ब्लेड लेके 5-6 mm रख सकते हैं, लेकिन 6 mm रखने से ये परफेक्टली बराबर स्मूथली चलेगा। वन हमने इधर लगा दिया है। और आपको ये पैकिंग रोबोट को लगाना पड़ेगा। ये देखो अगर ये पैकिंग रोबोट ख़राब रहेगा तो आप रिप्लेस कर सकते हो, क्योंकि ये सही है इसलिए हमने लगा दिया। और आपको ये देखो कुछ स्टेप्स आपको कवर को लगा लेने का। ये देखो हमने इधर से बराबर ये बैठ चुका है। और इधर दो बोल्ट रहता है, ये दोनों बोल्ट को टाइट करके ले लेता हूँ। दोनों नट को हमने टाइट करके ले लिया है। आपको बराबर टाइट कर लेने का केयरफुली। इसी तरह टेक्निकल वीडियो लाता रहूँगा गाइस। मेरा वीडियो अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो। और जो भाई वीडियो में पहली बार आया है सब्सक्राइब करो। मिलता हूँ किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।